सो दिस इज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निवास स्थान एंड टुडे वी हैव केम टू विजिट इट। यस सर, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निवास स्थान है, तलेगांव बोलते हैं इसको। बाबा साहब ने 16,000 रुपये में ये जमीन 41 एकड़ जमीन खरीदी थी 1947 और 1960 में आफ्टर हिज डेथ जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था हाई कोर्ट ने, उन्होंने 18,000 रुपये में 1960 में बेच दी है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि 57 टाइम बाबा साहब इधर आए हैं, एक दो दिन रहते थे और यहाँ उनको कार्य करने का मानस था, यूनिवर्सिटी स्थापित करने का मानस था। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञा यहाँ पे दी गई हैं। टोटल लैंड कितना था पहले? ज़्यादा था क्या? 41 एकर्स ये सब टोटल। तो फिर बाकी का बेच दिया ना सब ने, सेल कर मतलब उनके घर के लोगों ने बेचा, हमने फिर एक बार करके लिया है। जी, सांची स्तूप का भी एक रिप्लिका बनाया हुआ है यहाँ। 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस परचेस फॉर यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनी क्योंकि यहाँ पानी नहीं था तब। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ग्रांट से बनना था या पता नहीं, अभी उनके मन में था गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी के। ओके, या पब्लिक फंड? पब्लिक फंड। जय भीम, जय संविधान। फिर गवर्नमेंट के पीछे पढ़ के बार बार हमने पत्र व्यवहार करके उसके लिए डेवलपमेंट के लिए फंड लाया, वो 1 करोड़ था और उसके बाद ये थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का द्वारा यूज़ किया कबर्ड है, ये हैंगर्स वो यूज़ करते थे बाबा साहब, उनकी एक फ़ोटो यहाँ ऐसे भी रखी हुई है। ये स्थान सबके सब भी अनुयायी लोगों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणादायी स्थान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 में ये जो जगह है ये बंगलों के साथ निवास स्थान के साथ 41 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। उनका मानस था कि वो यूनिवर्सिटी बनाए, लेकिन उनका सो दिस इज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निवास स्थान एंड टुडे वी हैव केम टू विजिट इट। यस सर, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निवास स्थान है, तलेगांव बोलते हैं इसको, और अभी हम एंटर कर रहे हैं। और कहते हैं बाबा साहब ने यहाँ 41 एकड़ ज़मीन ख़रीदा था और वहाँ एक कॉलेज बनाना चाहते थे, बट अभी बहुत कम ज़मीन मुझे दिख रही है यहाँ, बाकी आसपास सब कॉलोनीज बन गई है और यहाँ कुछ बुक स्टॉल भी अभी लगा हुआ है क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स अभी आ रहे हैं विजिट करने के लिए। बाकी जो लैंड है वो बाबा साहब के फैमिली ने जो है सेल कर दी, बस ये एक छोटा सा मकान जैसा है, आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज सॉरी तथागत बुद्ध की फोटो है, लोग आते जाते हैं। ये यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, यहाँ एक बाबा साहब की स्टैचू है, ये देख सकते हैं आप, भगवान बुद्ध की भी एक स्टैचू है। और यहाँ ये आप देख सकते हैं बीच में बाबा साहब हैं फोटो में। ये महार रेजिमेंट के साथ में जो बाबा साहब की फोटो है, ये गोल में सम्मेलन की फोटो है, ये बाबा साहब की फोटो है। ये कामटी नागपुर की है, महार बटालियन की फोटो। ये सांची स्तूप का भी एक रिप्लिका बनाया हुआ है यहाँ।
बाबा साहब अम्बेडकर का द्वारा यूज़ किया कबर्ड है, ये हैंगर्स वो यूज़ करते थे बाबा साहब, उनकी एक फ़ोटो यहाँ ऐसे भी रखी हुई है। ये सारी चीज़ें बाबा साहब यहाँ यूज़ करते थे। ये 22 प्रतिज्ञाएँ यहाँ पे दी गई हैं। सारी फोटोज आप देख सकते हैं। ये भी पूरी अब फोटो गैलरी है यहाँ पर। भारतीय संविधान, राष्ट्रमाता जिजाऊ की फोटो भी है यहाँ पे। आगे का ये बरामदा है, उसका लोगों बनाए और आगे का फिर उन्होंने खुद बनाया। यहाँ दो रूम थे, मैंने ये तोड़ा है। यहाँ एक रूम था, एक बेडरूम था, एक हॉल था, उधर भी एक बेडरूम ही थे। इधर पताका बोर्ड देखिए। और ये पूरा ये रोड था, ये नहीं था। दिस वाज एंट्रेंस, नाउ दिस इज एंट्रेंस। ये बैक थी, ये एंट्रेंस था। अभी ये जो जमीन है ना, ये 30 गुंठा एंड उसके बाजू के 30 गुंठा उस स्मारक बनाने के लिए वो लेना चाहते हैं। टोटल लैंड कितना था पहले? ज्यादा था क्या? 41 एकर्स ये सब टोटल। तो फिर बाकी का बेच दिया ना सबने, सेल कर मतलब उनके घर के लोगों ने बेचा, हमने फिर एक्वायर करके लिया है। गवर्नमेंट को एक्वायर करने के लिए बोला। एक ही कि जिसने खरीदा था वो डिमोलिश नहीं किया बंगलो, नहीं था हम बोलते थे यहाँ था घर। बॉम्बे में में आफ्टर इंडिपेंडेंस परचेज फॉर यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनी क्योंकि यहाँ पानी नहीं था तब। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ग्रांट से बनना था या पता नहीं, अभी उनके मन में था गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी के। ओके, या पब्लिक फंड? पब्लिक फंड से ओके हमने बनाया। की जो पेंटिंग है ये बाबा साहब ने अपने हाथों से बनाया हुआ था, ये स्केच है टाइप का। अच्छा, साहित्य रखा हुआ है। CSR एक्टिविटी बिल्ड ऑन ईच अदर स्ट्रेंथ, CCTV भी लगा हुआ है। यहाँ कुछ बुक्स रखी हुई है, बुक शेल्फ है पूरा। यहाँ पे भी सारी बुक्स रखी हैं, कैलेंडर्स भी हैं। ये भी एक शेल्फ है और एक शेल्फ वहाँ है। जय भीम, जय संविधान। हम लोग अभी यहाँ पर तलेगांव पूना के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके निवास स्थान पे आए हैं, और आज हमारे साथ माननीय प्रवीण कुमार जी है जो तेलंगाना स्टेट के BSP के हेड है, प्रेसिडेंट है, और वो यहाँ पर आए विजिट करने के लिए। यहाँ पे जो कार्यभार संभालते हैं यहाँ पर पूरे निवास स्थान का, तो वो एडवोकेट रंजना जी भोसले हैं। तो उनसे पहले इस जगह के बारे में, इस स्थान के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। रंजना जी, एडवोकेट रंजना जी, जय भीम आपको। जय भीम, क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में? बहुत ही लोकप्रिय स्थान है और अभी अभी लोगों को पता चलने लग गया है, तो इस स्थान के बारे में आप सबसे पहले क्या बताएंगे? ये स्थान सबके, सब भी अनुयायी लोगों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणादायी स्थान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 में
ये जो जगह है ये बंगलों के साथ निवास स्थान के साथ 41 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। उनका मानस था कि वो यूनिवर्सिटी बनाए, लेकिन उनका काम इतना उनके पीछे था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम भी उसी दरमियान था और वो जल्दी चल बसे तो उनका जो ड्रीम था वो ट्रू नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हमने 2004 में हमारी संस्था रजिस्टर की और मेरे संस्था का नाम है विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति। उस समिति के थ्रू हमने लोकल बॉडी जो है तेलेगांव म्युनिसिपल काउंसिल, वहाँ की मैं प्रेसिडेंट थी, तो मैंने हर रोज़ हम कुछ ना कुछ लिखते थे, किसी मंत्री को लिखते थे, मुख्यमंत्री को लिखते थे, स्थानिक स्वराज्य संस्था के प्रतिनिधि को लिखते थे और फिर ये करते करते ये जो बंगलो 7000 स्क्वायर फीट ज़मीन के साथ हमने एक्वायर करने को उन्होंने मजबूर किया और 2012 में इसका पोजेशन मिला। उसके बाद हमारे समिति ने यहाँ ये डेवलपमेंट की, फिर गवर्नमेंट के पीछे पड़ के बार बार हमने पत्र व्यवहार करके उसके लिए डेवलपमेंट के लिए फंड लाया, वो 1 करोड़ था और उसके बाद ये थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मेरा मानस है कि ये जो बाजू की ज़मीन है, क्योंकि ये 41 एकड़ ज़मीन थी जो भी बेची गई है, लेकिन हमें ये राष्ट्रीय स्मारक बनाना है, इसके लिए वो बाजू की ज़मीन चाहिए। इसलिए मैं आपके थ्रू ये आह्वान करती हूँ कि सब लोगों ने अगर ध्यान दिया इकट्ठे हुए तो ये ज़मीन हम खरीद सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 16000 रुपये में ये ज़मीन 41 एकड़ ज़मीन खरीदी थी 1947 और 1960 में आफ्टर हिज डेथ जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था हाईकोर्ट ने, उन्होंने 18000 रुपये में 1960 में बेच दी है। तो हमें अभी बाजू में तो सब बंगलोज हुए हैं, बिल्डिंग्स हुई है, तो हम वो गिरा तो नहीं सकते, लेकिन जो खाली ज़मीन है वो हम ज़मीन खरीदेंगे तो यहाँ जो बाबा साहब का ड्रीम था, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं बाबा साहब के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ पर बाबा साहब आते थे, यहाँ पर उनका कोई कार्य चलता होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ अभी बहुत बड़ी मेरा ये स्पीच हो जाएगा, वो बहुत बड़ी कहानी है कि यहाँ बाबा साहब 1927 में जब रमाई चल बसी तो बाबा साहब बीमार हुए थे, तो यहाँ से एक 20 किलोमीटर पे जो लोनावला है वहाँ वो एडमिट थे, वहाँ वो रहे थे, उनको जो माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ था वो यहाँ ठीक हुआ था, वहाँ बाबा साहब आते थे तब से। उसके बाद खंडाला में आते थे, फिर अत्रे के साथ जो अपने साहित्यिक थे अत्रे साहब उनके साथ आते थे, फिर देहरोड में 1954 में उन्होंने खुद के हाथ से बुद्ध का रूप वहाँ स्थापित किया जो उन्हें रंगून में मिला था। उसके बाद वो यहाँ उनके दो चार फ्रेंड्स थे उनके साथ आते थे, इसलिए जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, तो इसलिए वो हमेशा आते थे और ज़्यादातर उनके जो केयर टेकर थे या उनकी देखभाल करते थे, उनको जो खाना खिलाते थे, वो भाई अभी भी जीवित है, तो वो बताती है कि बाबा साहब यहाँ आते थे तो यहाँ उनके हस्बैंड अभी गुजर गए हैं या कहाँ चले गए पता नहीं चला, अगर वो होते तो 100 ईयर्स से ज़्यादा उनकी उम्र होती थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि 57 टाइम बाबा साहब इधर आए हैं, एक दो दिन रहते थे और यहाँ उनको कार्य करने का मानस था, यूनिवर्सिटी स्थापित करने का मानस था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो बंगलो है वो उन्होंने जैसे लिया था उसी स्थिति में है, इसलिए हमने हमारे संस्था ने सबके साथ मिलके ये बंगलो जो है एक्वायर करने का प्रयास किया और वो सफल हुआ। और उसके बाद अभी इतने भिमानियाँ आते तो हमारे सभी संस्था के सब जो डायरेक्टर्स है सबको बहुत खुशी होती कि हमने जिस लिए ये खरीदा, उस खरीदने को गवर्नमेंट को मजबूर किया या एक्वायर किया, तो वो मानस जो था हमारा था वो सफल हो रहा है। लेकिन यहाँ बाबा साहब की जो ड्रीम थी कि जो यूनिवर्सिटी बनाए तो वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मेरे को हमेशा लगता है कि वो बच्चे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐसे बच्चे यहाँ पढ़ाई करके जाएंगे कि वो आई एस आई पी एस कुछ तो बनेंगे और वो वैसे कहीं ना कहीं तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। तो ऐसे बाबा साहब का कार्य जो था यहाँ महत्वपूर्ण था, तो बाबा साहब
यहाँ जब भी आते थे तो यहाँ के लोगों को जब वो धर्म बदला या धर्म स्वीकारा, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, तो उसके लिए पब्लिसिटी के लिए जहाँ आते थे तो सबसे ज़्यादा पुणा में लोनावला, देहू रोड, तलेगांव, यहाँ वो हमेशा आते थे। वहाँ यहाँ उनके बहुत कार्यकर्ता थे, उसमें से मेरे एक मामा जी भी थे जिन्होंने उनके साथ काम किया। पहले वो बौद्धाचार्य थे यहाँ के, तो उन्होंने तो उस टाइम जब पहले बार शादी लगे तो मार भी खाया था लोगों का। तो ऐसी यहाँ की मानसिकता थी, या इतना मतलब पॉलिटिकली बोला जाए तो जातीयवाद इतना था कि मैं अभी भी वो अनुभव करती हूँ कि जब मैं वकालत करती तो मैं रोज़ देखती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस ज़माने में कितने प्रॉब्लम आते होंगे। तो बाबा साहब ने यहाँ जो काम किया वो प्रेरणादायी है।